सौ पे भू पर शेष जननी भवन गए प्रभु चले दोनों भैया लोगन को जब पिताजी चक्रवर्ती महाराज ने विश्वामित्र बाबा को सौंप दिया, माँ के पास गए, माताओं को प्रणाम करके इतने बोले, माँ गुरुजी आए हैं विश्वामित्र बाबा, उनके संग में जा रहे हैं। बस तो अलौकिक विवेक उपस्थित है। प्रणाम करके चले गोस्वामी जी ने पंक्ति लिखी, पुरुष सिंह दो हर्ष चले मुन भय हरण कृपा सिंधु मति अखिल विश्व कारण सारे ब्रह्मांड के रक्षक स्वामी आज मुनिदेव के साथ यज्ञ रक्षार्थ गतिमान हो रहे हैं। यज्ञ त्रेता में भगवत उपासना का प्रधान कर्म यज्ञ। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे द्वापर परितोषत प्रभु पूजे कलि के वल मल मूल मलीना पाप पयो निधि जनमन मीना कल युग के वल हरि गुण गावा गाहा गावत नर पावई भव था। कलि काल में हरि नाम भगवत नाम था, लेकिन यहाँ यज्ञ भगवान की प्रतिष्ठा करने के लिए चले सरकार हमारे। गुरुदेव विश्वामित्र जी गदगद हो गए। प्रभु जी ने अयोध्या की मृतिका को उठाया, गांठ में बांध लिया, धोती की पल्लू में मैया सरजू को वंदन किया, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हुए परमात्मा गुरुदेव के संग में चले। अरुणा नयन पाकर विश्वामित्र जी को लगा, मैं मानो मैंने खजाना पा लिया हो। विश्वामित्र बाबा संग में चलते चलते सोच रहे हैं, प्रभु ब्रह्म अन्य देव में जाना, अथवा तो प्रभु ब्राह्मणों को ही देवता मानते हैं, मैं जान पाया अब। आज की भी बड़ी समस्या है क्या, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, सब परेशान है। अरे जब त्रेता में परेशान थे तो आज होना तो क्या जाता है। भगवान ब्राह्मणों को देवता मानते हैं,
मैं अन्यथा विचार कर रहा था, विश्वामित्र जी इसका चिंतन करते, चलते चलते ताटक वन जैसे आया, ताड़का देखी ऋषिदेव के साथ दो वीर पुरुषों को तो दौड़ पड़ी, चले जात मुनि दीन दिखाई ताड़का दौड़ी। गुरुदेव ने कहा राम जी मारिए, भगवान बोले गुरुदेव ये तो अबला है, स्त्री पर रघुवंशी बाण नहीं उठाते, धनुष उठाकर छोड़ते नहीं। गुरुदेव ने कहा राम जी इसने अनेक ऋषि मुनियों का भक्षण किया है, अबला नहीं है, बला है। और जैसे ही गुरुदेव ने कहा एक ही बाण प्राण एक ही बाण में भगवान ने ताड़का के प्राण का हरण कर लिया। उसका दीन भाव देखकर भगवान ने उसको अपना पद प्रदान किया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान जिसको भी मार देते हैं तार देते हैं ऐसा सदग्रंथों में वर्णन है, लिखा है। इसलिए भगवान भी सहमते हैं कि न मारना पड़े। पहले भगवान जीव को दुराते हैं, जाओ जाओ जाओ, अच्छी बात थोड़ी है। ये सनातन धर्म का चिंतनशील सिद्धांत है, अकारण नहीं। एक बाण में जब प्राण हरण कर लिया प्रभु ने तो गुरु विश्वामित्र महाराज मार्ग में ही बैठ गए। बला अतिबला नामक विद्या भेंट किए प्रभु को लक्ष्मण जी को, जिससे न भूख लगे न प्यास, और वहीं आयुध सर्व समर्पिके प्रभु ने जया। अब कंद मूल फल मार्ग में जितने आयुध एकत्र किए थे तप के द्वारा गुरु विश्वामित्र जी ने सब राम जी को दे दिया। ऐ लंबी श्रृंखला है। आप कहेंगे फिर राम जी रखते कहां थे, तर्कस तो एक ही था, राम जी के मन में सब रहते थे, भगवान जिसका स्मरण करे वो आयुध आ जाता था। साथ रखना अनिवार्य नहीं, जैसे अपने यहां तीन सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तो तीनों राष्ट्रपति महोदय के निवास में थोड़ी रहती है। जिसका स्मरण होता है वो प्रमुख आते हैं, और जिस आयुध की आवश्यकता होती है वो वहां पहुंच जाते हैं जहां जाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार मेरे प्रभु सब मंत्रों के द्वारा गुरुदेव भगवान ने उनको भेंट कर दिया। और आप जानते हैं मंत्र परम लघु जाव सुबस विधि हरि हर सुर सर्व। नवरात्र आ रहा है, सभी साधक जनों को सात्विक आराधना करनी चाहिए। 26 से शुरू हो रहा है आचार्य जी, 26 सितंबर से
जो आपको चाहिए सदग्रंथों के आश्रय में, राम रक्षा स्तोत्र सिद्ध करिए, नव पाठ रोज करिए। एक श्री रामचरित मानस जी का नवाह पारायण करिए। दो श्री राम स्तवराज सिद्ध करिए। तीन विद्यार्थी गणपति स्तोत्र सिद्ध करें, 8 बार पढ़ें और उसको ब्राह्मण देवता को ब्रह्मचारी को भेंट कर दें। मानस में मंत्र अनेकानेक हैं, जो आपको सामग्री चाहिए उसके मंत्र अपने आचार्य जी से पूछ लीजिए, कुल पुरोहित से पूछिए, साधक गणों से पूछिए, उसको सिद्ध कर लीजिए। कितनी बार? कम से कम 108 बार पढ़िए, काल रात्रि को 1000 बार पढ़िए, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जीवन में कभी कोई विघ्न उपस्थित हो उस मंत्र का जप करिए, अपने आप सब विघ्न समाप्त हो जाएगा। सात्विक करिए, विघ्न दूर करे। आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्री रामं भूयो भूयो नमाम्यहं। कोई आपदा में मंत्र का जप करो 108 बार, धीरे धीरे आपदकाल अपने आप समाप्त हो जाएगा। जंतर के चक्कर में पड़िए नहीं, तंत्र के चक्र में कदापि न पड़िए। सात्विक भजन करिए, सात्विक मंत्र की सन्निधि पाइए। सात्विकता ही जीव को सहज रखती है, वो तो बात नहीं। हाँ, जो मंत्र मिले हैं प्रभु को गुरु विश्वामित्र जी महाराज से, आपको सुनाऊंगा, कल के प्रसंग में आएगा जब यज्ञ रक्षा होगी। इतने आयुध मिल गए कि जो आएगा वो चला जाएगा।